Good morning, students. This is Deepak Sharma, your physics teacher. And as we were discussing in the previous lecture about some numerical of capacitance, so let's move further and go with some very, very good questions which are in remain in the board examination. So without wasting your time, let's move out to the numerical of capacitance part 26. And here what you are having certain circuit diagram which I will constitute of capacitance. So as you are seeing that these all are capacitors, let me mark them as C1, इसको mark कर देते हैं C1, C2, C3, C4, C5 और C6. बच्चों इस वाले हिस्से को देखें, यहाँ पर ये capacitor नहीं है, ये battery है और battery आप कहीं भी लगा सकते हो. देखिए circuit है, wires होती है. तो सोचिए अगर मैं मान लो यहाँ से battery को हटाऊं और इसको redraw करूं diagram, तो अगर मैं इसको हटा तो आप देखेंगे कि C6 और C1 कंटिन्यूटी में है. अगर मैं इसको पकड़ के यहां से पॉजिटिव वाले टर्मिनल को बैटरी को पकड़ के अगर मैं यहां से इसको अलग कर दूं तो क्या होगा, तो शायद आप देख पाओगे कि ये डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा. C6 और C1, और जब मैं इसको इसे पकड़ के खींचूंगा तो शायद इसके पैरेलल में ये C5 वाला कैपेसिटर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको और ये कहा गया भाई जब मैंने इसको पकड़ के खींचा ये, तो शायद ये बैटरी पॉजिटिव बैटरी ये यहां पे आ गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां आ गई. ठीक है, मैंने इसको ऐसे, और सिमिलरली मैं अगर उस हिस्से को खींच दूं तो क्या होगा, जैसे मैं इसको पकड़ के ऊपर करूंगा तो C2 ये आ गया, C3 ये आ गया, ये हमारा C3 था, C2 ये रहा, C3 ये रहा, और इसके पैरेलल में, इनके पैरेलल में क्या है, इनके पैरेलल में जुड़ा हुआ है हमारा C4 जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, और ये आ गई आपका नेगेटिव पॉइंट. क्यों? क्योंकि बच्चों बेटे ये तार है, टर्मिनल्स है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहां बैटरी लगा दो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो वही है ना भाई, एक ही बात है. अब यहां से टर्मिनल तार को बड़ा कर दो, यहां से करके आप तार को बड़ा कर दो, तो अब ये वायर्स होते हैं, इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हो. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया, सिंपल आप कैलकुलेट अपने आप कर लेना. भाई देखो C1 C6 किस में है, C1 C6 सीरीज में और C5 के साथ पैरेलल में. सिमिलरली C2 और C3 किस में हो जाएंगे, भाई देखो C6 C5 आपके पास सीरीज में कितने कितने के हैं, C1 ये है 6 का माइक्रोफेरेड का, ये है आपके पास 6 माइक्रोफेरेड का, और ये कितने का हमारा 3 माइक्रोफेरेड का. C2 कितना है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड का, ये कितना है हमारे पास 4 माइक्रोफेरेड का, और ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड का. तो अगर मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूं तो क्या होगा भाई, 6 और 6 ये भाई सीरीज में क्या होता है 1/6 प्लस 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 इज 2/6. ठीक है, और 2/6 का 1/3, यानी इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ गया 3, और 3 और 3 आपस में पैरेलल है तो 3 और 3 6, यानी कुल मिला के इस हिस्से का जो नेट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया 6 माइक्रोफेराड. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने इन दोनों को किसमें निकाला सीरीज में, यानी 1/6 प्लस 1/6 2/6, और 2/6 का मतलब हो गया 1/3, यानी उसे रिवर्स करोगे कितना हो गया 3, 3 और 3 माइक्रोफेरेड, और 3 माइक्रोफेरेड जो इफेक्टिव कैपेसिटी है वो C5 के साथ इसमें पैरेलल में, पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, तो कितना हो गया 3 + 3 = 6. सिमिलरली अगर मैं इसे करूं ये कितना है 2 और 4, तो 1/2 प्लस 1/4 4 एलसीएम आ गया, 1/2 प्लस यानी 6/5 1/2 प्लस 1/4 कितना आ गया 1/2 1/4 कितना गया 4 एलसीएम हो गया, 2 × 4 = 4 × 3/4 यानी कितना गया आपके पास आ गया 2 + 1 = 2 और 4 × 3/4, और 3/4 को करेंगे तो ऊपर करेंगे 4/3 प्लस 2 माइक्रोफेरेड इसमें हमारे पास सीरीज में कितना गया 3 + 6 = 10 10 + 10/3, तो ये कितना गया 10/3 माइक्रोफेराड. अब क्या हो गया, अब ये दोनों किसमें आ गए, दोनों सीरीज में आ गए, इनका इसका इफेक्टिव और इसका इफेक्टिव सीरीज में आ गया, तो सीरीज में निकालो कितना हो गया 1/6 प्लस 3/10, तो 60 और 10 प्लस 18 कितना गया 28/60. बाकी आप करें तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में आपको ड्रॉ करके मैं इसका आंसर लिख दूंगा, ये आएगा, आप इसको निकाल इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, इन दोनों का सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, और नेट कैपेसिटेंस ये दोनों किसमें हो जाएंगे हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे. तो इसका आंसर और इसका आंसर किसमें होगा हमारा सीरीज में होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और कैलकुलेट जरूर करके मेरे को आंसर जरूर बताइएगा क्या निकल गया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं हटाता जाऊंगा जैसे जैसे मैं रखता चला जाऊंगा ताकि मुझे स्पेस मिल सके लिखने के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा नुक्कड़ है और ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये जो डायग्राम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको लैडर वाला डायग्राम बोलते हैं। लैडर वाला डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक लैडर है, सीढ़ी है, जो इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर आप 2 माइक्रोफैरड को अगर इनफाइनाइट तक जोड़ दें तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको ये निकालना है इफेक्टिव कैपेसिटी। अब सवाल ये कैसे है? जब भाई इनफाइनाइट है तो बच्चों जो बैथ वाले स्टूडेंट है वो लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर अब तक उन्होंने किया y = e की पावर x x x x x, अगर वो लगातार चलता चला जाए y की पावर e की पावर x x x, तो आपको इसको लिमिट करना होता है और इसे लिमिट करते हैं y = e की पावर y से। तो आप उसी से इसको क्या करते हो, लिमिट कर देते हो जैसे आप स्टडी करोगे। तो बच्चों अब आगे कैसे करना है आपने, उसी तरीके से आपको इसको करना है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा, मैं काट के दिखा रहा हूं आपको, ये वाला हिस्सा देखो आप, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा ये, फिर ये आपको दिख रहा होगा, जो मैंने हिस्सा काटा है ना, यही वो हिस्सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको इसी को लिमिट करना है। अब लिमिट कैसे करोगे आप इसको, बहुत ध्यान से देखें, इनफाइनाइट लेटर है ये आप इसका एक हिस्सा लोगे, मैं यहां पे करता हूं इसको अलग से, चलिए मैं इधर इसको रीड्रॉ कर देता हूं। तो आपने इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, ये लिया आपने, ये आपके पास 1 माइक्रोफराड, ये आपके पास ए और ये बी, और अब इस हिस्से को आपको लिमिट करना है एक नए कैपेसिटर से जिसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है हमारा सी है। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफराड, ठीक है बच्चों। तो ये आपको करना है, अब क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करो। तो इसको नाम दे दो C1, C2 और C3 कह दे। तो आपको दिखेगा C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला हो गया, 1 अपॉन C' = 1 अपॉन C2 + 1 अपॉन C3, यानी 1 अपॉन C' = 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन C। तो 1 अपॉन C' कितना आ गया भाई, 2C एलसीएम ले लूंगा तो C + 2, यानी कितना आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं कहां का लिख रहा हूं, C' = 2C upon C + 2, ये निकल गया C', यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, यानी क्या हो गया ये डायग्राम, अब हो गया ये तो 1 माइक्रोफराड हो गया और इन दोनों का जो इफेक्टिव निकला वो निकला है हमारे पास ये तो C1, ये 1 माइक्रोफराड, ये जो C1 है हमारा, और ये C' निकला और ये निकला हमारे पास 2C upon C + 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ये C' निकला था हमारा और ये डायग्राम रीड्रॉ करके ऐसे हो गया। अब हम निकाल लें इसको, तो ध्यान दीजिएगा मैं कहां कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए, मैं यहां पे कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन, उसी को फर्दर कर रहा हूं। तो कितना आ गया, अब C1 एंड C' आर इन पैरेलल, में क्या फॉर्मूला होता है, C = नेट कैपेसिटेंस C = C ही लेना है आपको, कितना C' + C1, यानी C = C' कितना निकला है आपका 2C upon C + 2 + C1 कितना है हमारा 1। तो अगर हम नेक्स्ट निकाले C = 2C + C + 2 upon C + 2, अब आप देखो C = कितना गया 3C + 2 upon C + 2, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है इसको चलो मैं जगह खाली करता हूं, मैं इसको बाद में बना दूंगा, ठीक है कितना आएगा बेटा C² + 2C = 3C + 2, कितना है C² + 2C - 3C + 2, यानी C² - C + 2 = 0, शायद ये क्वाड्रेटिक बन गई है। और अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करूं तो C² - 2 * 2 C * C - 2 + 1 C, कितना किया था हमने, हमें माइनस सी चाहिए था, +2C - 3C - 3C, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास -C² - 2C, सही क्या है हमने, कोई और गलत छूट तो नहीं है, C² + 2C = 3C + 2 और C² + 2C - 3C + 2, और अपने पास आ गया है यहाँ पे C² - C + 2। तो इसको करना है हमें 2 × 1 = 2 ताकि C आ जाए हमारे पास, तो कितना आ गया C - 2 + 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा C + 2
नहीं हमें टू चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ रहा है, नहीं हमने छोड़ा तो नहीं है, टू सी प्लस, टू सी प्लस सी प्लस टू आया था हमारे पास, टू सी अपॉन सी प्लस टू, और हमने इसको एलसीएम लिया, कितना आया सी प्लस टू, और सी प्लस टू का कितना हो गया थ्री सी प्लस टू, और सी प्लस टू कितना आ गया सी स्क्वायर प्लस टू सी इज़ इक्वल टू थ्री सी प्लस टू, और कितना आया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी इज़ इक्वल टू थ्री सी प्लस टू, सी स्क्वायर प्लस टू सी माइनस थ्री सी इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू जीरो। चलिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड क्या होता है, बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस बी क्या बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर कितना हो गया माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन इंटू टू, कितना आया वन माइनस फोर टू का एट, डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव आ रहा है, नहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने, ये दोनों सीरीज में थे, बिल्कुल सीरीज में थे, और हमारे पास आया प्लस टू सी, और ये सीरीज में वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन सी, टू सी एल सी एम सी प्लस टू, और सी डैश इज इक्वल टू कितना आया सी डैश इज इक्वल टू टू सी बाई टू, ठीक है। फिर आपके पास आया सी इज इक्वल टू टू सी बाई सी प्लस टू सी प्लस सी बाई टू सी टू सी बाई सी प्लस टू और प्लस वन, टू सी प्लस सी प्लस टू अपॉन सी प्लस टू, टू सी प्लस थ्री सी प्लस टू अपॉन सी प्लस टू, और कितना आया हमारे पास सी स्क्वायर प्लस टू सी इज इक्वल्स टू थ्री सी प्लस टू, यानी सी स्क्वायर प्लस टू सी, तो हमारे पास यहाँ पे गलती हो गई थी माइनस टू, ये माइनस प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो ठीक है। कितना आ गया हमारे बच्चों सी स्क्वायर कभी कभी हो जाता है माइनस टू वन जा टू करें, तो कितना आ गया सी सी माइनस टू प्लस वन सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस टू एंड सी प्लस वन, अब कैपेसिटी वैल्यू कितनी है टू माइक्रोफेरेड, क्योंकि सी इक्वल टू माइनस बाई माइनस में तो कैपेसिटी नहीं हो सकता, तो कैपेसिटी कितना होगा हमारे पास सी कितना है टू माइक्रोफेराड हमारे पास क्या निकल गया इसका कैपेसिटेंस निकल गया। तो बेटा अच्छी तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व किया कीजिए, तो ये हमारे पास कितना है सी इक्वल टू माइक्रोफेराड हमारा निकल गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जब ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि मैंने उसको कैसे लिमिट किया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब हमारे पास क्या है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको दिख रहा होगा ये सारे कैपेसिटर्स हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन और सी एट, और आपको दिख रहा होगा इन सबको ये सब मैं लिखा है टू माइक्रोफेरेड ईच है सारे, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा पहले बड़ा करके बना देता हूं, ये आपके पास है एक दो तीन चार पांच, और यहां पे आपके पास कैपेसिटी जुड़ा हुआ है, ठीक, ये हमारा सी वन ये भी है और सारे सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट, कुछ नहीं करना बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा सी फोर और सी फाइव पहले सीरीज में है फिर इसके साथ पैरेलल में है, फिर सी थ्री और जो यहां ये निकलेगा सी डैश और ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, जो पैरेलल में आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में, फिर जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में और फिर इसके साथ सीरीज में, यानी मैं एक स्टेप कर देता हूं आपको, सी फोर और सी फाइव इसमें सी फोर एंड सी फाइव आर इन सीरीज, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन सी फोर प्लस वन अपॉन सी फाइव, कितना आ गया बच्चों वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू डेट इज टू बाई टू, यानी सी डैश कितना आ गया वन माइक्रोफेराड। अब जो इसकी जगह कितना आ जाएगा सी फोर सी फाइव हट गया और इसकी जगह क्या आपके पास आ गया यहाँ पे सी डैश, और सी डैश की वैल्यू कितनी है भाई वन माइक्रोफेराड, वन माइक्रोफेराड यानी सी डैश एंड सी एट आर इन पैरेलल में करें, तो सी डबल डैश इज इक्वल टू सी एट प्लस सी डैश, यानी सी एट कितना है टू प्लस वन, क्योंकि सब टू माइक्रोफेराड कितना थ्री माइक्रोफेराड, ये कितना आ गया थ्री माइक्रोफेराड, यानी इसको हटाया तो यहां पर इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना निकल के आ गया हमारे पास थ्री माइक्रोफेराड। अब थ्री माइक्रोफेराड फिर वही वाली सी थ्री ये थ्री दोनों सीरीज में फिर इसके साथ पैरेलल में, जो आंसर आया फिर वो दोनों सीरीज में फिर इसके पैरेलल फिर इनके साथ जो आंसर सीरीज में फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। शायद बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है आप आराम से कर पाएंगे, तो इसको
कैलकुलेट कर दीजिएगा। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ये दोनों सीरीज में इनका आंसर इसके साथ पैरेलल में, फिर जो आंसर आया वो ये दोनों सीरीज में, फिर जो आंसर आया वो इसका पैरेलल में, फिर दोनों सीरीज में जो आंसर आया वो इसका पैरेलल में, फिर दोनों सीरीज में, और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे जरूर कर लीजिएगा। अब ये दो जो क्वेश्चन है बेटे, इनको जरा बहुत अच्छा आसान अच्छा अच्छे तरीके से समझिएगा। है क्या, मैं इसको मार्क करता हूं बेटे, C1 C2 C3 C4 C5। अब ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन क्यों है, पहले इसका सवाल देख लेते हैं बेटे। इसको इसे आप अगले चैप्टर पढ़ोगे, अब अगले चैप्टर में आने का मतलब ये नहीं है कि ये अगले चैप्टर में ही यूज होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये एग्जैक्टली है क्या बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां उसे नोट कर लेता हूं उस क्वेश्चन को, तब आपको आराम से समझा पाऊंगा। और ये हमारा 3 माइक्रोफैरेड का सीपी, और ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है, मैं यहां से हटा देता हूं ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ये हमारा क्वेश्चन बेटे, एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, ये आप पढ़ोगे बुक में लिखा होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखो आप लोगों ने तराजू देखा होगा, और उस तराजू में होता क्या है, उसके बीच में एक पॉइंटर होता है, और जो वो पॉइंटर जब बीच में आ जाता है, ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक आपको इंक्लूड करता हूं, अगर जब वो पॉइंटर बीच में आता है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और इधर वाला, जिधर आपने वजन रखा है, जहां आपने वेट रखे है उस तरफ, और जो अब समान तोड़ रहे वो, उन दोनों का वजन क्या है, बराबर है। दोबारा भी कर रहा हूं, जब वो पॉइंटर बीच में आ जाता है तब आपका कहने का मतलब होता है कि भाई इधर रखा हुआ सामान और इधर रखा हुआ वजन दोनों आपस में बराबर है। यही कंडीशन यहां पे, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कहते हैं। और उस समय आप क्या मानते हो, भाई बीच वाला है ही नहीं, इक्वलेंट है, यानी बीच वाला बीच में क्या है, बीच वाला जीरो में है, ना इधर जा रहा है और ना ही वो इधर जा रहा है, वही चीज है यहां पर। अगर आप कंडीशन क्या होती है, इसे बैलेंस कंडीशन कहते हैं बेटे, और जब ये बैलेंस कंडीशन होती है ना, तो सेंटर पर, सेंटर में चाहे कोई भी लगा हुआ, सेंटर में चाहे वो रजिस्टर लगा हुआ होता, चाहे वो आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता, हम ये कहते हैं दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू इट। अब सवाल है इसके लिए कब है, भाई जब मैंने कहा जब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर आ जाए तब ही ये होगा। मतलब अगर हमारे पास देखो, आप ध्यान देखो, C1 अपॉन C2 का रेशो C3 अपॉन C4 के क्या बराबर है, देखो जरा, 4/12 इक्वल टू 2/6, 4 × 4 = 12, 2 × 2 = 6, शायद इधर भी 1/3 आया, इज इक्वल टू 1/3, यानी C1 अपॉन C2 का रेशो इक्वल है C3/C4 के रेशो के, यानी ये दोनों हिस्से आपस में बराबर है, और अगर बराबर है तब ही आप बीच वाले को निगलेक्ट कर सकते हो, वरना निगलेक्ट आप नहीं कर सकते। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कहते हैं। तो अगर ये दोनों, इन दोनों का रेशो, इन दोनों रेशो बराबर, बीच वाले को निगलेक्ट कर सकते हो, तो फिर तो ये कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन भाई। ये 4 और 12 आपस में सीरीज में, 2 और 6 आपस में सीरीज में, और फिर इन दोनों का आंसर आपस में पैरेलल में, भाई 4 माइक्रोफराड और 12 माइक्रोफराड सीरीज में, 2 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड सीरीज में, इसको सीरीज में निकालो, इसको सीरीज में निकालो, और फिर दोनों का आंसर किसमें निकाल लो, पैरेलल में। लेकिन सवाल है बीच वाला कहां गया, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के लिए। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है एज द गिवन सर्किट is following the Wheatstone bridge condition, therefore the center
C3 कैपेसिटर इज निगलेक्टेड। और फिर आपको करना ध्यान, भाई ये कंडीशन वेरीफाई हो रही थी इसलिए हमने बी वाले को निगलेक्ट कर लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें आप, ये बच्चों ये है क्या, इसमें ये सर्किट बड़ा अटपटा सा लग रहा है ये, लेकिन ए और बी हमारे पास दोनों टर्मिनल्स हैं। अगर आप इसे करें तो ये क्या होगा, अगर देखिए ये बेटा टर्मिनल्स हैं, आपने अगर इसको इसको खींच दिया, सोचो प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप इन्हें इसे खींच दें, इसको खींच दें ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, शायद टू और थ्री ये टर्मिनल्स हैं, टू और थ्री एक तरफ आ जाएंगे, टू और थ्री एक तरफ आ जाएंगे और फाइव और टेन एक तरफ आ जाएंगे, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों। टू और थ्री, देखो टू और थ्री, फाइव और टेन। अब देखो ये खींचा यहां से तो ये यहां आ गया भाई, ये हमने पहले खींचा टू की तरफ चला गया, ये टू माइक्रोफेरेट, थ्री माइक्रोफेरेट, और ये नीचे तरफ खींचा तो ये फाइव माइक्रोफेराड और वो टेन माइक्रोफेराड, ये क्या हो गया यहां पे बी हो गया। तो ये डायग्राम रीड्रॉ होकर ऐसा हो गया बच्चों, और कुछ नहीं ये दोनों सीरीज में, सॉरी मैंने गलत बना दिया इसको, यहां पे यहां ये आपने इधर खींचा है ना, सॉरी ए, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर इन दोनों का आंसर पैरेलल में। तो इन्हें ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं और भी क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, मान आप क्या क्वेश्चन है, और मैंने पहले भी कहा था अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो सोचिए आप नेक्स्ट चैप्टर के रजिस्टोर के क्वेश्चन आ गए। ठीक, ये हमारे पास ये भी टर्मिनल है और ये है हमारे पास फोर माइक्रोफराड, एट माइक्रोफराड, फाइव माइक्रोफराड, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास हो गया सिक्स माइक्रोफराड, ट्वेल्व माइक्रोफराड। मैं कहता निकालना भैया कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अब सवाल है कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। जरा आप इस वायर को मेरी बात को ध्यान समझिएगा बच्चों, जरा इस तार को उठा के बाहर की तरफ रखो, इस तार को लो और इसे बाहर की तरफ रखो, बाहर की तरफ रखो, यानी मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये रहा मेरा, ठीक है अभी ये है, और अभी मैंने केवल ये बी वाले को उठा के बाहर कर दिया, ये टर्म भाई वायर ही तो है, इसको उठा के बाहर कर दिया। अच्छा, इसको यहां से तार पकड़ा और मैंने बाहर की तरफ कर दिया, यहां से उस तार को पकड़ा बाहर की तरफ, शायद ये दोनों बाहर आ गए, एट माइक्रोफेराड, फोर माइक्रोफेराड और इस सेंटर पे कितना है मेरा फाइव माइक्रोफेराड। ये यहां पे क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास सिक्स माइक्रोफेराड, और शायद बच्चों ये क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास ट्वेल्व माइक्रोफेराड। जरा इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेशो, जरा ध्यान से देखो, इसको C1 C2, C3, C4 और बीच में C5, क्या C1 अपॉन C2 का रेशो, इन दोनों का रेशो, देखो यहां टर्मिनल जुड़ा हुआ है यहां, क्या बराबर C3 बाई C4 के है, करके देखते हैं। 8 बाई 12 बराबर 4 बाई 6 है, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, आपको दिख रहा है कि C1 C2 का रेशो और 4 बाई 6 का रेशो
भाई क्या हुआ, जिससे पहले वाले डायग्राम में अगर मैं उसको ऊपर कर देता चौंची तो बन जाती भाई सीधा हो, या इससे पहले वाले डायग्राम में भी तो यही था, यही तो था, ये था, ये था, ये था, यही तो डायग्राम था बच्चों, इससे पहले वाले, इससे वाले जहां मैंने वीडियो ब्रेकिंग कर दिया, अगर मैं इसको चोंच को ऊपर पीछे ऊपर खींच देता तो क्या ये डायग्राम ऐसे नहीं बन जाता भाई, यही तो होता, एक ही तो बात है, वो डायग्राम भी तो ऐसे ही बनता। देखो ये वो डायग्राम भी तो ऐसे ही बन जाता, देखो आई वास्ट में नहीं आई तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, वेयर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है वेयर C5 कैन बी निगलेक्टेड। फिर बचा क्या, फिर तो कुछ भी नहीं बचा भाई, इन दोनों का आंसर सीरीज में, इन दोनों का आंसर कैपेसिटेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज में, और फिर इन दोनों का आंसर। तो ये बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन है, मैं और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा अपकमिंग क्लास में, और अच्छे न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा कि और कौन कौन से न्यूमेरिकल अच्छे हैं। तो ये लास्ट मैं कहूंगा अभी कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल लास्ट है, बहुत है, मैं एक छोटा न्यूमेरिकल और फटाफट से डिस्कस कर देता हूं कि बच्चों अगर ये मेरे पास क्यू है और ये वी है और मुझे दो ऐसे दे रखे हैं कि ए और बी, विच विल Have more capacitance. बताओ A और B में से किसका capacitance ज्यादा है? आपको Q दे रखा है और B, Q दे रखा है और V के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है, Q और V के बीच में ग्राफ। देखो बेटे भाई सीधी बात है, Q is equal to CV, शुरू से करते आ रहे हैं, C is equal to Q by V। तो C क्या हुआ भाई, ये जब C is equal to Q by ratio हो गया, इसका मतलब C क्या decide capacitance, किससे decide होगा, slope से, और स्लोप किससे ले रहा है, अगर बेटा देखो आसान तरीका ये, यहाँ पे एंगल बनाओ थीटा वन थीटा टू, यानी थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, यानी स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। मेरे को मेरे हैंड थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं, ए का थीटा टू बड़ा है, ए का क्या, ए का स्लोप ज्यादा है किससे, बी से, एंगल इसका ज्यादा है, तो क्या हो गया, दैट इज ए विल हैव मोर कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो मेरे लिखने पे ज्यादा सुनने पर विश्वास रखा करो, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल गार्ड है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन को आगे मूव करेंगे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, और तभी रिमेन सेफ एंड सिक्योर। थैंक यू।